फिर आई हसीन दिलरुबा स्टारिंग तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी नेटफ्लिक्स में रिलीज हो चुकी है, जो कि एक सीक्वल है हसीन दिलरुबा मूवी की, जो आई थी 2021 में। क्या यह फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी? लेट्स फाइंड आउट। और हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी सागर, आपका फेवरेट चैनल फॉर द लेटेस्ट मूवी रिव्यूज। फिर आई हसीन दिलरुबा में हम देखते हैं कि रानी प्लेड बाय तापसी पन्नू और ऋषु प्लेड बाय विक्रांत मैसी अपनी प्रीवियस फिल्म के इवेंट्स के बाद आगरा में छुपे हैं, लेकिन उनके पीछे अब भी डॉगढ़ कॉप प्लेड बाय आदित्य श्रीवास्तव लगा हुआ है। और इस बार उनका सामना होता है एक और ज्यादा इंटेलिजेंट और शातिर ऑफिसर मृत्युंजय प्लेड बाय जिमी शेरगिल से। फिल्म की स्टोरी काफी एंगेजिंग है और कैरेक्टर्स भी काफी लेयर्ड है। तापसी असरानी स्टनिंग एज एवर अपने स्ट्रिंगी ब्लाउज और टेंडर हार्ट के साथ। विक्रांत मैसी ने भी अपने वन ट्रू लव के लिए वेलियंटली स्टे करने का रोल परफेक्टली प्ले किया है। सनी कौशल का कैरेक्टर अभिमन्यु, एक लोकल कंपाउंडर, भी काफी इंटरेस्टिंग है और उनकी परफॉर्मेंस ने हर सीन में चार चांद लगा दिए हैं। इस सीक्वल में कुछ नए कैरेक्टर्स भी एड हुए हैं, जो स्टोरी को और ज्यादा इंट्रिगिंग बना देते हैं। अभिमन्यु प्लेड बाय सनी कौशल और एक वाइली वुमन प्लेड बाय भूमिका दुबे की प्रेजेंस ने फिल्म को काफी फ्लेवर दिया है। स्पेशली भूमिका दुबे, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को वेपनाइज करके एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। कनिका ढिल्लन की राइटिंग को भी स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा। कैरेक्टर्स में एम्पैथी और डेप्थ ऐड करने के लिए फुल मार्क्स। ये कैरेक्टर्स मर्डर तक करने को रेडी हैं फॉर देयर लव, बट दे आर नॉट इनहेरेंटली ईविल। डायरेक्शन भी काफी सॉलिड है और फिल्म का पेस कहीं भी स्लो नहीं होता, लेकिन कुछ निगल्स भी हैं। बॉलीवुड क्लिशेज जैसे ताजमहल के पीछे का एक्सैक्ट स्पॉट यूज करना या फिल्थी यमुना में बोट राइड लेना थोड़ा प्रेडिक्टेबल लगता है, और कुछ डायलॉग्स इतने ऑन द नोज हैं कि आपको क्रिंज करना पड़ता है। डिस्पाइट दीज स्मॉल इश्यूज, फिर आई हसीन दिलरुबा इज अ फन राइड। तापसी, विक्रांत और सनी की परफॉर्मेंस और जिमी शेरगिल का शातिर ऑफिसर का रोल, सब कुछ काफी इम्प्रेसिव है। अगर आपको मनोहर कहानियाँ पसंद है जहाँ राइट और रॉन्ग क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तब यह फिल्म एक मस्ट वॉच है। तो दोस्तों, आपको यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मूवी सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच रिव्यूज और अपडेट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा।